Come on, hoist that trophy above your head. आप लोग भी चेयर करो, क्या पता अगला मास्टर शेफ आप ही घर से निकल के आए, क्योंकि इस लॉकडाउन हमारे घरों में हुआ क्या है, नए नए मास्टर शेफ ही निकल के आए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में द विजार्डी बॉय। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और जरूर कुछ ना कुछ नया ही खा रहे होंगे। जी हाँ, यही मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है, ये लॉकडाउन है या मास्टर शेफ इंडिया, हमारे घरों में हो ही क्या रहा है, नए नए मास्टर शेफ निकल के आ रहे हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ नया, रोज कुछ ना कुछ नया। ऐसा लग रहा है सरकार ने घर में रहने को क्या बोल दिया, सबके टेस्ट बड्स खुल गए, नई नई शक्ति आ गई उनके मुंह में, नई नई शक्ति आ गई उनके पेट में, अब तो बस खाने को चाहिए, और वो भी रोटी सब्जी नहीं जी भैया, रोज की दाल सब्जी नहीं खानी हमें, हमें खाना है कुछ नया, कुछ नया नया। मम्मी को बोल दूं कि जी मेरी वीडियो देख लो, मैंने वीडियो डाली, वो नहीं देखेंगी, वो तो बोल देंगी अपना काम कर बाद में देखूंगी, कुछ बिजी हूँ, और देखूं क्या बिजी है, तो जी वीडियो देख रही होती है यूट्यूब पे किसी आंटी जी की जो नया खाना बनाना सिखा रही होती है, मैंने जी क्या कर रही हो ऐसा कि सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, कभी कभी सोच भी लिया कि कुछ नया खा लेंगे, कुछ अलग खा लेंगे, पर ये मुझे कोई समझाए, ये लॉजिक समझाए कि दुनिया में 80% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैदा से ही क्यों बनती हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ नया तो मैदा, लंच में कुछ नया तो मैदा, डिनर में कुछ नया तो मैदा, भाई मैदा मैदा मैदा, भाई मेरे जैसे इंसान को तो मैदा ऐसे से ऐसा बना देगी, और ये तो चलो फिर भी फोटो है तो पिक्चर डाल दी मैंने, कभी शीशे में देखना खुद को, पेट निकलने के बाद आदमी कैसा लगता है। शुरू में तो फिर भी ठीक लगता था कि आज कुछ नया खाएंगे, आज कुछ नाश्ते में अच्छा मिलेगा, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ अलग मिलेगा, कुछ लंच में कुछ अलग मिलेगा, बजी ये तो रोज का हो गया। मैं तो असल में ये भूल गया कि लॉकडाउन से पहले हमारे घरों में बनता क्या था, पराठे दलिया पोहा ऐसी भी कुछ चीजें हुआ करती थी ना जी ना, अब तो सिर्फ मैदा बनेगी, बेसन बनेगा और सूजी बनेगी, इन तीन चीजों में हमारा लॉकडाउन हो गया खत्म, इन्हीं को खाओ बस सुबह से शाम, रसोईयों में इतना आटा नहीं होता जितना आजकल ये तीन चीजें मिल रही, और सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है इनको बनाने वाली कंपनी, और दूसरा फायदा उठा रही है जो आंटी है जो नई नई चीजें बना के वीडियो डालती रहती है। नमस्कार, मैं हूँ का, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। आज से पहले इनको किसी ने देखा ना हो, पर जी देखो आजकल सारी फेमस हुई पड़ी है, उनको कुछ नहीं जी एक बार को घर में बना के रह गए, यहाँ तो हमें रोज रोज खाना पड़ रहा है, वही आज हर रात को ये क्वेश्चन आता है जी कल सुबह क्या खाना है, कुछ सोचो उससे पहले जी यूट्यूब खुल जाता है, कोई वीडियो खुल जाती है, कोई नया लिंक खुल जाता है, और नया ऐसा नई सी डिश आ जाती है, कुछ समझ में नाम समझ ना आया उसका चाहे, पर तुम्हें खाना है वो सुबह, चीज यहाँ खत्म नहीं होती, आपको आपके जो मास्टर शेफ इंडिया जो है ना आपके घर में जो चीजें बनाते हैं जो खिलाते हैं उसका फिर मांगते हैं आपसे फीडबैक कि जी कैसा बना, क्या कमी रह गई बताओ, और जो आपने कमी बता दी गलती से फिर तो चार दिन के खाने के वांदे हैं। इसका फोन भी अभी आना था। हेलो, पिज्जा झोपड़ी से बात कर रहे हैं? नहीं जी भैया, हमने कोई पिज्जा नहीं मंगाया। नहीं भैया, हमारे घर में खुद बन जाता है, अब तो हम आपको दे देंगे, आपको चाहिए तो बताओ। अरे भैया कुछ भी करो भैया, हमें नहीं पता। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। फेंक दो उसको तुम। हाँ जी बिल्कुल। बताओ जी, बाहर से भी पिज्जा घर में भी पिज्जा, आदमी करे तो करे क्या। खैर, हम ठहरे थोड़े फिटनेस वाले लोग, जिम विम जाने वाले, हमने करी जी डाइट पे कंट्रोल और करी घर में ही मेहनत चालू, क्योंकि जिम तो थे हमारे बंद, एक वही तो जगह रह गई थी जहाँ से कोरोना फैल रहा था, ये दही बल्ले और चाट पापड़ी की दुकानों से कुछ होना नहीं था, ना ही दारू के ठेके से कुछ होना था, जो कोरोना फैलना था वो सारा का सारा फैलना था हमारे जिमों से। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको अपने डाइट के बारे में कि जी मैंने तो छोड़ दिया ये सारा खाना, मेरे बस की ना हुई रोज रोज छोले भटूरे खाना, रोज रोज मैदा खाना, और जी तला भुना खाना तो तला हुआ ही है, चाहे वो हलवा ही ना अपने तेल में तलाओ, चाहे तुम घर में हमने अपनी रसोई में तलाओ, वेट मोटा तो करेगा ही, वेट तो तुम्हारा बढ़ाया गई, चर्बी तुम्हारी बढ़ाई गई, तो जी अगली बार जब किसी की प्लेट में छोले भटूरे देखो तो खुद भी सोचना और उसके दिमाग में भी ये बात डाल देना, ताकि वो खाने से पहले सोचे। चलो जी, इस पॉइंट पे मैं करता हूँ बात बंद,
जी मेरा हो गया सब एकदम बढ़िया। मैंने सोचा ज्ञान है आपको दे दूं, मैं तो एकदम फिट फाट हो जाऊं, पेट अंदर छाती बाहर। आप भी रखो अपना ध्यान, हम करते हैं वीडियो खत्म। कोल्ड भी गर्म हो गया। अरे वो पिज्जा वाले को फोन मिलाओ यार, कहाँ रह गया?